सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। हालात इतने खराब हैं कि पुलिस के साथ झड़प में 39 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। इस झड़प में 2500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जख्मी हुए हैं। लाठी डंडे और पत्थर लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। प्रदर्शनकारी बसों और निजी वाहनों में आगजनी कर रहे हैं। बांग्लादेश में इस समय बस, ट्रेन और मेट्रो सेवा ठप हो गई है। हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। स्कूल कॉलेज के साथ साथ मदरसों को भी अनिश्चितकाल तक के लिए बंद किया गया है। पूरे देश में सेना को मोर्चे पर उतार दिया गया है। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए हैं। ढाका और देश के बाकी हिस्सों के बीच बस सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। सरकारी टेलीविजन के दफ्तर पर अटैक। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सरकारी नेशनल टेलीविजन पर आकर देश को संबोधित किया था। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन इसके बाद प्रदर्शनकारी और ज्यादा आक्रोशित हो गए। उन्होंने सरकारी टेलीविजन के दफ्तर पर अटैक करके उसे फूंक दिया। जब प्रदर्शनकारी ने सरकारी टीवी के दफ्तर में आग लगाई, उस समय वहां कई पत्रकारों के साथ करीब 1200 कर्मचारी मौजूद थे। पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें किसी तरह बचाया। वहीं आंदोलनकारियों को रोकने के लिए दंगा रोधी पुलिस रबर की गोलियां और आंसू गैस के गोले दाग रही है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में कनाडा यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी उग्र प्रदर्शन किया। इस यूनिवर्सिटी की छत पर 60 पुलिसकर्मी फंस गए थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके अनुसार बांग्लादेश में रहने वाले भारतीयों को यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। छात्रों की क्या है मांग। बांग्लादेश के छात्रों का कहना है कि मौजूदा आरक्षण प्रणाली बड़े पैमाने पर सरकारी सेवाओं में मेधावी छात्रों के नामांकन रोक रही है, इसलिए इस आरक्षण को रोकना चाहिए। बता दें कि स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मिलता है। महिलाओं के लिए भी 10% और 10% आरक्षण अलग अलग जिलों के लिए तय है। संथाल, पांखो, त्रिपुरी, चकमा और खासी के लिए 6% कोटा है। इसके अलावा बचा 44% मेरिट के लिए रखा गया है, जिसमें बांग्लादेश के छात्रों की नाराजगी विरोध प्रदर्शन के रूप में बाहर आई है।